ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के लिए मुट्ठी भर का समय बचा है। ये मुकाबला 18 से 22 जून में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा इंग्लैंड के साउथैम्पटन मैदान पर। विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम पूरी तरह से तैयार है इस मुकाबले में चैंपियन बनने के लिए। वहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भी पूरी तरह से तैयार है, इंग्लैंड पहुंच चुकी है, वहां पर प्रैक्टिस मैच भी खेले जा रही है। लेकिन इस फाइनल मुकाबले से पहले एक बहुत ही बड़ी बहस छिड़ चुकी है विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर, और इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में खास खबर, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। वैसे विराट कोहली की कप्तानी को लेकर तो सवाल काफी टाइम से उठते आ रहे हैं। विराट कोहली की कप्तानी को लेकर सवाल इसीलिए भी उठते हैं क्योंकि रोहित शर्मा अपनी दावेदारी पेश करते हैं। वहीं कप्तानी को लेकर अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा की तुलना भी की जाए तो रोहित शर्मा इस मामले में विराट कोहली से आगे है। टीम इंडिया को रोहित शर्मा ने एशिया कप और निदास ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में चैंपियन बनाया है। वहीं विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने कोई बड़ा खिताब अपने नाम नहीं कर सकी है, या फिर आईपीएल। खैर, कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया कोई भी बड़ा खिताब जीतने में नाकाम रही है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व चीफ सेलेक्टर किरण मोरे ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी को लेकर उनका आया है एक बड़ा बयान। उनका कहना है कि जल्द ही विराट कोहली की जगह टीम इंडिया का कोई अन्य खिलाड़ी टीम की कप्तानी संभाल सकता है। किरण मोरे का कहना है कि निकट भविष्य में विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक किरण मोरे ने बातचीत में ये भी कहा, रोहित शर्मा को जल्दी कप्तानी का मौका मिल सकता है, और साथ ही में उन्होंने कहा इंग्लैंड दौरे के बाद इस बात पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और फैसले के बारे में जानकारी मिलेगी। हालांकि उन्होंने कोहली को शानदार कप्तान बताया। उनका कहना है कि कोहली बेहतरीन कप्तान है, लेकिन वे कितने लंबे समय तक वनडे और टी20 में कप्तानी करते रहेंगे। मोरे का कहना है इंटरनेशनल क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना आसान काम नहीं है। भारत अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान पर फोकस कर सकता है। साथ ही उनका कहना है रोहित शर्मा अच्छा कर रही है और उन्हें मौका मिलना चाहिए। खैर, भारतीय कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।